नमस्कार, मेरे रेखी ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं यामिनी शर्मा रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। पूर्णमासी, जिसे हम फुल मून कहते हैं, जिस दिन चंद्रमा अपनी जितनी भी कलाएं हैं, 16 कलाएं लिए आपके सामने होता है, उस समय कैसे हम एनर्जी वाटर बनाए जो हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। आज हम वो जल तैयार करेंगे, प्रोसीजर बताऊंगी कैसे जल बनाना है, किस तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। धीरे धीरे हर चीज समझाऊंगी जिसके माध्यम से आप उस जल को, उस होली वाटर को कन्वर्ट करेंगे। पूर्णमासी के दिन हमें सब चीजें, हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं, पहले मैं चीजें आपको दिखा दूं क्या क्या चाहिए जिससे आप बनाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है बाउल। देखिए, ऐसा हमें एक बाउल ले लेना है। आप बाउल में बना सकते हैं उस वाटर को, या इस तरीके से कोई भी बोतल ले सकते हैं, कांच की हो सकती है तो अच्छी बात है। मैं आपको बाउल में दिखा रही हूं, आप इस तरीके से बोतल में भी बना सकते हैं। आपको बाउल ले लेना है। आखिर हम पूर्णमासी के दिन क्यों जल बना रहे हैं? पूर्णमासी के दिन अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी लिए होता है, वो अपनी वो सारी प्रॉस्पेरिटी उस दिन लिए होता है जो हमें भी अपने जीवन में चाहिए। पहले लोग पूर्णमासी का व्रत रखते थे, बहुत सारे रिचुअल थे जो किया करते थे, पर समय के साथ हम उन्हें भूलते चले गए। आजकल इस तरीके के घर हो गए कि जल बनाना बड़ा पॉसिबल नहीं होता है, या वहां पे रोशनी नहीं आती सूरज चांद की, हम ऐसे ऐसे जगहों पर रहते हैं। आज वो तरीके बताऊंगी ये जल आप किस किस कारणों से और कहाँ कहाँ बना सकते हैं। जो लोग कहते हैं हमारे घर में रोशनी नहीं आती, वो अपने टेरेस पे चले जाइए, आपके घर का कोई ऊंचा जहां से आपको चंद्रमा नजर आ रहा हो, आप इसको विंडो पे खड़े होकर अपने घर में अगर आपको चांद दिख रहा है तो वहां से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें वो टाइम क्लिक करना है जिस समय हमें ये बनाना है। ये हमें इंटेंशन और प्रोस्पेरिटी देगा। इस जल का प्रयोग आपका पूरा परिवार कर सकता है, ये नहीं आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, आप इस जल को पूरे परिवार के लिए आप यूज कर सकते हैं। इस जल को आप चाहे तो अपने घर में ही अगर आप बनाना चाहते हो, वहां आराम से, आपका घर है जहां आपका चंद्रमा दिखता है, तो वहां आराम से गार्डन में या अपने टेरेस में या अपने कमरे में अगर आपकी रोशनी आ रही है, आराम से बैठकर आप बना सकते हैं। बस आपको कुछ समय इस जल को देना होगा। अब आप ये इस तरह का बाउल ले लीजिए और इसको फिल कर लीजिए पानी से। पानी कोई भी आपके नल का जो पीने वाला स्वच्छ पानी है वो होना चाहिए, ये भी आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, इसमें पानी डाल लीजिए। और इसके अंदर आपको डालने हैं क्रिस्टल्स। जैसे अगर मनी की आप दिक्कत है तो ग्रीन एवेंचुरियन का इस्तेमाल कीजिए, और यदि आपको रिलेशनशिप अच्छे चाहिए तो रोज क्वार्ट्ज का आप इस तरीके 2-3 क्रिस्टल्स इसमें डाल लीजिए। आप रोज क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंचुरियन मेरे हिसाब से दोनों ही डाल लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी और मनी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल डालेंगे इसके अंदर, देखिए, और इसको पानी को भर के आपको ये पानी ले जाना है चंद्रमा की रोशनी में, जिस दिन आपका पूर्ण चंद्रमा निकल रहा होगा, और इस पानी को आपको वहां पे ले जाके छोड़ना है। अब इस पानी को आपको देखना है, देखने के बाद इसे ब्लेसिंग्स करनी है। आप इस पानी को देखिए और होल्ड कीजिए थोड़ी देर हेल्ड हाथ में, और ब्लेसिंग्स कीजिए कि ये वाटर मेरे घर को पूर्ण प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और जो भी आपकी इच्छा है वो दे रहा है। इस तरह की आपको इस पानी के साथ कामना करनी है, और इसको थोड़ी देर तक होल्ड करना है, आंखें बंद कर लेनी है। बंद करने के बाद जो लोग रेखी से जुड़े हुए हैं, जो लोग रेखी से, यहाँ पे चौकुरे बना लीजिए, और यहाँ पे अगर आप मनी है तो वसुधा सिंबल आप ड्रॉ कर लीजिए, वो सिंबल आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। जो नहीं जुड़े सिंपली उनको होल्ड करना है, होल्ड करके आपको देखना है, और इस पानी के जो जार है इसको उसी जगह पर छोड़ देना है जहां पर ये था, यानी कि अगर आप जिस जगह बैठे हैं वहीं पर ही इसको थोड़ी देर के लिए वहां पर रख देना है, आपको इसको वहां पे छोड़ना है। आप चाहे तो उसे होल्ड करके भी रख सकते हैं, तो वहां कोई टेबल हो
टेबल पहले से ही वहां रख लीजिए, वहां पे थोड़ी देर के लिए एक डेढ़ घंटे दो घंटे के लिए पानी को आप छोड़ दीजिए। जो लोग फुल आपका ऐसा प्लेस है आप फुल नाइट आप छोड़ सकते हैं तो रख दीजिए, कांच है तो उसको ढक दीजिए ऊपर से एक प्लेट से, जिससे कि कोई इसमें गंदगी ना जाए। अगर कांच की सेम ट्रांसपेरेंट आपके पास प्लेट है तो बहुत उत्तम बात है। बोतल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैंने पहले दिखाया था, इसी में सेम प्रोसेस आप कर रहे थे तो वैसे ही बंद है, तो कोई भी चीज जाने की जरूरत नहीं है, बस इसके अंदर पानी आपको दिखना चाहिए। इस तरीके से आपको कोई भी चीज आप रख सकते हैं। जो लोग मनी की दिक्कत से ज्यादा परेशान है, मैं कहूंगी ग्रीन कलर का ग्लास या बोतल का या बाउल का इस्तेमाल कीजिए, वो भी आपको प्रॉस्पेरिटी और आपको वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। तो ग्रीन कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी का है। जो लोग डिवाइन एनर्जी से प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं, वेल्थ चाह रहे हैं, वो 520 नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग और भी चीजें से मनी की आपकी दिक्कत है और भी चीजें चाह रहे हैं तो 111 नंबर का यूनिवर्स से करें, जो आपके लिए डायरेक्शंस लाएगा, आपके प्रॉस्पेरिटी खोलेगा, आपको अच्छी यूनिवर्सल आइडियाज जो आपके आ रहे हैं, जो आप लाइफ में करना चाहते हो उस फुलफिलमेंट में आपकी मदद करेगा। आप चाहे तो इसके यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। अगर बच्चों के लिए आप इस पानी को बना रहे हैं तो गोल्डन सनशाइन और बच्चे का यहाँ नाम लिख दीजिए, नहीं तो उसमें विश चिट यहाँ डाल के चिपका भी सकते हैं। ऐसे कोई विश अपनी व्हाइट पेपर पे आप बच्चे का इस तरह से लिख के आप इस तरीके से उसके ऊपर होल्ड करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। कम से कम आपको आधा घंटा तो मेरे हिसाब से छोड़ना चाहिए, और एज मच एज आप जितना छोड़ना चाहते हैं। ये आपके लिए होली वाटर कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से जब आप वाटर कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ये सारी चीजें क्रिएट करना शुरू कर देगा। क्योंकि जो पूर्णमासी की रात होती है वो पूर्ण चंद्रमा अपनी सभी कलाओं को लिए वहां पर बैठा होता है। जब सारी कलाओं की रोशनी आपकी जो इंटेंशन पे पड़ती है, जो आपने पानी के थ्रू बनाई है, तो वो एकदम से आपके लिए प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये छोटा सा तरीका है जो हर व्यक्ति कर सकता है। आप बनाइए और इस पानी को आपको जब आप इसे ले आए तो अलग अलग बोतल में रिफिल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कांच की बोतल है या हमारा जार है या हमारा आरओ है, आप हर जगह डाल दीजिए या इस पानी में को ही रिफिल करते रहिए। महीने में एक बार आपको ये रिचुअल करना है, या जब आपको ठीक लगे जो मेन मेन पूर्णमासी है उन पे भी आप ये रिचुअल फॉलो कर सकते हैं और इसको बना के आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जो क्रिस्टल्स हैं वो ऑप्शनल्स हैं, वो ऑप्शन है। अब और चीजें इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगी। जो लोग तुलसा जी से संबंधित है, उस समय तुलसा जी का आप पत्ता साफ करके एक पत्ता इसके अंदर और छोड़ दीजिए, ये और ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू करते हैं। जो तुलसा जी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारा जो होली प्लांट है वो, उसे तुलसा जी के पौधे को हम दिव्य पौधे के रूप में मानते हैं, तो उसके एक दो पत्ते लाके इसमें छोड़ दीजिए। इतवार के दिन तुलसा जी को ना तोड़े। अगर आपको लगता है कि आज इतवार के दिन हमारा पूर्णमासी पड़ी है तो अदर कोई और दिन आप उसको निकाल लीजिए और डाल दीजिए, फ्रिज में रखिए और एक दिन जब इस दिन हो अगले दिन आप उसको डाल दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगा। क्रिस्टल्स अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। कोई आपके पास अपना पर्ल पड़ा हो, कोई सिट्रीन पड़ा हो आपके पास अंगूठी में, पुखराज पड़ा हो, एमेथिस्ट पड़ा हो जिसको आप यूज नहीं करते, वो आधा आधा स्टोन्स का भी आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग अच्छी एनर्जी से, तो ये तो हमसे मंगवा ही लेते हैं, हम अगर आपको चाहिए तो हमसे संपर्क करते हैं और ये स्टोन्स हम आपके तक पहुंचा देते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप, अगर आप धूप लगाते हैं तो जब आप ये रिचुअल कर रहे हो तो छत पे बैठे कहीं तो वहां एक धूप जला लीजिए। लोग इस तरीके से कैंडल्स भी जलाते हैं तो कैंडल उस समय थोड़ी देर के लिए वहां जला लीजिए, तो और आपका वो जो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। जब तक पानी रखा है छोड़ दीजिए, छोटी कैंडल आपकी टी लाइट कैंडल होती है उसे वहां पर जला के छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए, क्योंकि एक दो घंटे वो जलती है। जब वो जल जाए तो रात में आप चाहे तो पानी उठा के ला सकते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग ला सकते हैं, आप आधा घंटे बाद कभी भी ला सकते हैं। आप आधा घंटे रिचुअल कीजिए तो उस समय आप भी थोड़ा देर चांद की रोशनी में बैठिए तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी वो लेकर आएगा। थोड़ी देर वहां भी आप बैठिए, और जब आप बैठे हो वहां पे तो एक नंबर मैं आपके लिए भी यहां पर दे रही हूं जिसका आप इस्तेमाल कर लीजिए, जो आपको प्रोटेक्शन देगा, आपकी हर चीज को रिमूव करेगा, आपको हीलिंग
जो रिलीज है आपकी नेगेटिविटी वो भी करने में देगा, दैट इज 444। उस नंबर का वहां पे इस्तेमाल कर लीजिए, सारी नेगेटिविटी आपकी निकालने में भी वो और पॉजिटिविटी डालने में वो नंबर आपका इस्तेमाल करेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, आप कहीं भी बैठ के बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी जो विंडो है वहां पर रोशनी आ रही तो वहां बैठिए, बस आपको चाहे आप बाउल में बना रहे हैं इस चीज को, चाहे आप बोतल में बना रहे हैं इस चीज को, किसी में भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, बस आपको बनाना है और प्रॉस्पेरिटी लिखा। जैसे मैंने इसमें ऑलरेडी देखिए नंबर लिखा है 520 जो प्रॉस्पेरिटी का नंबर, आप इस तरीके से नंबर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए पेन से और पेन से लिख कर भी आप छोड़ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो हम न्यू मून में ये मैजिक वाटर बनाते हैं जो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और बहुत हमारे लिए अबेंडेंस क्रिएट करता है। मेरे रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े हैं, आप सभी इस वाटर को बनाइए और मुझे जरूर फीडबैक दीजिए कैसा आपको लगा ये होली वाटर, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे रिचुअल्स आपके लिए अपने रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से बना सकूं। धन्यवाद।